वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पुष्पा। आप लोग कैसे आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो जो होने वाली है वो होने वाली है 5-in-1 हेयर स्ट्रेटनर एंड कलर की, जो कि ये वायरल प्रोडक्ट, ये आप जो देख रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा आजकल वायरल में था। ओरिजिनल प्रोडक्ट जो है डाइसन का है वो आई थिंक 60 या 70 अराउंड 1000 के पड़ता है। तो मैंने सोचा क्यों ना, जब इतना तो पैसा नहीं है मेरे पास, बस इससे लोकल प्रोडक्ट तो मैं ऑर्डर कर ही सकती हूँ। तो मैं अमेजोन पर एक दिन ऐसे ही देख रही थी, तो मैंने सोचा ये प्रोडक्ट क्यों ना ऑर्डर कर दिया जाए। प्राइस है वो अराउंड मुझे 2000 के अराउंड मुझे पड़ा था, आई थिंक 1999 का मुझे पड़ा था। मैं यहाँ पे इमेज लगा दूंगी मैंने कौन सा प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी कि मैंने कौन सा प्रोडक्ट ऑर्डर किया था। और ये मुझे रिसीव हो चुका है, ये देखिए अमेजोन से मैंने इसे ऑर्डर किया था, ये कुछ इस टाइप की पैकेजिंग में मुझे रिसीव हुआ है। चलिए इस पैकेजिंग को ओपन करके देखते हैं ये कैसा प्रोडक्ट है और कैसा वर्क करता है। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये प्रोडक्ट मैंने ओपन कर लिया है, इसकी अनबॉक्सिंग बस मैंने करनी है। चलिए अनबॉक्सिंग में करनी है। ये देखिए ये टोटल 5 है इसमें। इसकी पैकेजिंग देखिए कुछ इस टाइप की है, मेड इन चाइना। चलिए ओपन करते हैं इसको। मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ इसको देख के, क्योंकि मैं ये प्रोडक्ट्स वाकई में बहुत दिन से सोच रही थी इस प्रोडक्ट को देखना, मंगाना और यूज़ करना। तो फाइनली ये मेरे हाथ में आ चुका है, तो चलिए इसे ट्राई करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका मेन हैंडल दिखाऊंगी आपको। ये देखिए इसका मेन हैंडल कुछ ऐसा है, आई थिंक मेड इन चाइना है। तो ये आप देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा, ये देखिए फेडेड कलर है इसका। ये देखिए ये मुझे भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा। ये देखिए, चलिए कोई नहीं, कि देखिए ये यहाँ से लॉक और अनलॉक है, ये पुश करना होगा यहाँ पे, और ये ऑन ऑफ का बटन है आई थिंक। ये देखिए ठीक है, इसे 1 2 3 4 लिखा हुआ है। ये देखिए आप लोग देख सकते होंगे, ये देखिए हाई टेम्परेचर है कि आप कितना टेम्परेचर इसका ऑन ऑफ कर सकते हैं। और इसका तार भी 360 डिग्री तो नहीं घूम रहा है, बट इस ओके। तो इसका वायर अच्छा खासा लॉन्ग है, ये देखिए। चलिए इससे पहले मैं प्लग करके दिखाती हूँ। इसका प्लग कुछ इस टाइप का है आप, और ये देखिए फ्रंट से कुछ ऐसा है ये, और बैक से कुछ ऐसा है। चलिए इसे प्लग करके देखते हैं फटाफट। तो ये देखिए मैंने यहाँ प्लग कर दिया, और प्लग कर दी, इतनी तेज़ आवाज़ कर रहा है, ये देखिए। तो चलिए ट्राई करते हैं। तो देखिए इन सब 5 प्रोडक्ट में आप बताइए आप मैं कौन सा प्रोडक्ट पहले यूज़ करूँ। सबसे पहले मैं ये ट्राई करके देखना चाहूँगी, चलिए ट्राई करते हैं। ये इसमें एक छोटे छोटे खांचे से बने हैं, छोटा छोटा सा है इसमें लॉक का सिस्टम, देखती हूँ कैसे ये लॉक होता है। ये देखिए लॉक हो गया, ओके देखिए लॉक कर दिया मैंने। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपके एक एरो बना होगा, ऊपर भी एरो बना होगा, एक नीचे भी एरो बना होगा, तो उसे वहाँ पे ला के आपको फिक्स करना है। आपको ऐसे करके ऐसे जस्ट रोल करना है, देखिए ऐसे, और यहाँ से आप पुश करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ओके तो ये आपका फिक्स हो गया। चलिए अब इसे ऑन करके देखते हैं कैसा वर्क करता है। इसको यूज़ करने से पहले मैं बालों में थोड़ा सीरम लगा लेती हूँ। आई थिंक ये हॉट एयर इसमें से निकलेगी, क्योंकि इसमें भी हॉट एयर स्टाइलर ही लिखा हुआ है। चलिए ट्राई करते हैं। तो ये बस थोड़ा आवाज़ में साइलेंट करूँगी, क्योंकि बहुत तेज़ आवाज़ करेगा। ये देखिए ये देखिए ये प्रोडक्ट आया कि नहीं हो गया डैमेज। ये देखिए यहाँ से ये यहाँ पे फिक्स था और ये निकल गया, ज़रा सा भी मेरे बालों पर प्रेशर नहीं सह पाया ये और निकल गया। ये देखिए मेरे बाल, देखिए। तो ये वर्क अच्छा नहीं किया मेरी तरफ से। अब चलिए दूसरा मैं ट्राई करूँगी, दूसरा यहाँ से अनप्लग करने के लिए इसको पुश करना होगा आपको, और आसानी से ये अलग हो जाएगा। ठीक है सेकंड, चलिए मैं ये ट्राई करूँगी। ये इसका नाम तो मुझे नहीं पता, बट ये ट्राई करके देखते हैं ये कैसा यूज करके ये कैसे वर्क कर रहा है। चलिए ये देखिए फिक्स कर दिया मैंने, देखने में बड़ा कूल सा लग रहा है। चलिए ट्राई करते हैं।
ये देखे मेरे बाल, आई थिंक बालों में वर्क तो कर रहा है, बस एज ए ड्रायर ये आप ज़्यादा यूज कर पाएंगे मुझे लग रहा है। और तो और ये कंघी, ऐसे कंघी ज़्यादा यूज कर सकते हैं। चलिए इसका भी यूज़ कर लिया, तो यहाँ से मैं इसको अनलॉक करके इसको हटाती हूँ। अब मेरा फेवरेट पार्ट है ये हेयर ड्रायर की तरह वर्क करेगा, देखते हैं वर्क करता है कि नहीं। मेरे बाल तो अभी इस समय सूखे हैं बट फिर भी उड़ेंगे तो पता तो चलेगा कि हाँ वर्क कर रहा है कि नहीं। चलिए देखते हैं। और ये हो गया लॉक, और ये हवा किस तरफ से आएगी, हवा इस तरफ से आएगी आई थिंक। ये देखिए ड्रायर यहाँ से हो गया, इधर तो कुछ नहीं है। चलिए देखते हैं और ऑन करते हैं। ड्रायर भी बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, आप देखे, आपने देखा कि मेरे बाल कितने अच्छे उड़ रहे हैं। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ फिर से वंस अगेन। तो मेरी तरफ से ये आई थिंक 9/10 बोल सकते हैं, क्योंकि ये आपका हेयर ड्रायर बहुत अच्छे से करेगा। तो आप मेरे बालों को उड़ता हुआ देख के समझ सकते हैं कि कितना अच्छा हेयर ड्रायर कर रहा था, तो ये कितना अच्छा हेयर ड्रायर कर रहा है। चलिए इसको भी निकालते हैं, नेक्स्ट ट्राई करते हैं बैरल का। इसमें छोटे और बड़े बैरल दिखा रहा था, बैरल है वो एक ही साइज़ के हैं ये देखिए। तो मैं एक ही को यूज़ करके दिखाती हूँ आपको, इससे बाल गर्ल होते हैं। ये बहुत अच्छे से गोल गोल घूमता है ओरिजिनल वाले में, बट इसमें गोल गोल घूमता है कि नहीं ये आई थिंक इसमें ये चीज़ नहीं है। बट इसमें आपका ये बैरल आपको बाल खुद ही रोल करने पड़ेंगे, तो चलिए मैं देखती हूँ उसको भी। चलिए इसको ट्राई करते हैं। तो थोड़े से बालों को लेती हूँ मैं, इतने से बालों को, ताकि मैं आपको अच्छे से दिखा सकूँ ये वर्क कर रहा है कि नहीं। चलिए पहले मैं इसको लपेटती हूँ अच्छे से। हाँ पता नहीं तो मैं इसे कैसे दिखाऊँ आप लोगों को कि ये रोल कैसे होता है। चलिए ट्राई करती हूँ मैं ऐसे करके। ये बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है। आई थिंक ये 5-in-1 ना बोल के इसको ओनली ड्रायर बोले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। केवल ड्रायर के पॉइंट इसको मिलेंगे, तो केवल ड्रायर को तो मैंने दिया था 9/10, और ओवरऑल प्रोडक्ट को मैं 5 भी नहीं देना चाहूँगी। आई थिंक 5/10 चलिए दे देती हूँ। प्रोडक्ट आई थिंक मैं इसे बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी, आप लोग इसको, इस प्रोडक्ट को बिल्कुल भी ना लें, मेरे बालों की दशा और ख़राब हो गई है। इससे अच्छा तो मैं कॉम कर लेती तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो देखिए इसको मैं दूँगी, ये बैरल बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहे हैं, ना ही रोटरेट कर रहे हैं। ओरिजिनल वाले में ये रोटरेट कर रहे थे। सेकेंड की मैं बात करूँ तो ये इसमें बाल आपके बहुत फंसेंगे, और ये इससे अच्छा आप एक 10-20 रुपए का कॉम खरीद के बालों को कॉम कर ले, वो ज़्यादा अच्छा है। इस प्रोडक्ट की मैं बात करूँ तो हाँ, ये हेयर ड्रायर की तरह आप इसे एज ए कॉम यूज़ कर सकते हैं, जो कि अच्छा वर्क कर रहा था। इसकी मैं बात करूँ तो ये हेयर ड्रायर की तरह वर्क कर सकता है, और बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा था। और बट बैरल इसका बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा था। मशीन इसकी ठीक है, इसमें कोई भी लाइट की सुविधा नहीं दे सकते, नहीं है। यहाँ से पुश करके आप ये आराम से ये निकाल सकते हैं, बट ये भी आई थिंक अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था। जब मैंने इसे ऑन किया तो ये ऑटोमेटिक हल्का सा पुश होकर ये ओपन हो रहा था आप अपने मन से ही। और इस प्रोडक्ट की मैं बात करूँ तो ये देखिए, इस प्रोडक्ट को जैसे ही मैंने यूज़ किया ये देखिए कैसे निकलने लगा। तो ये प्रोडक्ट बिल्कुल ही फेल है, आप अपने 2000 रुपये ना फंसाएं। तो ये रही आज की वीडियो, आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।